नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पिरेशनल टेल्स, जहां हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, जिनकी जिंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण रही। जिंदगी ने हर कदम पर उन्हें आजमाने की कोशिश की, लेकिन अपनी परिश्रम, लगन और कभी हार ना मानने की सोच के कारण ना केवल वे एक सफल व्यक्ति बनने में कामयाब हुए, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति भी बने। जी हाँ, आपने सही समझा, यहाँ बात हो रही है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अब्राहम लिंकन की, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों के लिए बहुत से ऐसे काम किए जिन्हें करना अमेरिका के किसी भी नेता के लिए आसान काम नहीं था। आज इंसान इतना कमजोर हो चुका है कि एक हार को वे अपनी जिंदगी का हार समझ बैठते हैं और अंदर तक टूट जाते हैं, खुद को बिखरने से बचा नहीं पाते। यह कहानी है अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। यह कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1802 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ, और आगे चलकर यही बंदा अमेरिका का सबसे महान और सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बना। अब्राहम लिंकन के लिए व्हाइट हाउस तक का सफर इतना मुश्किलों भरा था कि अगर इसकी जगह कोई और दूसरा व्यक्ति होता तो बदहवास, दुख, पीड़ा और असफलता के कारण खुद को मार डालता। लेकिन इस व्यक्ति ने जैसे दुखों और असफलता के साथ दोस्ती ही कर ली थी, जो उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब्राहम लिंकन जब मात्र 2 साल के थे, तब उनके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ेगा तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन बात यही पर समाप्त नहीं होती है। करीब 5 साल वहां पर रहने के बाद फिर से एक जमीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा। उस समय लिंकन की उम्र मात्र 7 साल थी। उस जगह को छोड़ने के बाद उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगा। यहां पर अब्राहम लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। अब्राहम लिंकन जब 9 साल के थे, तब उनकी माँ का एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया। प्रॉब्लम यही एंड नहीं होती है। मानो जिंदगी लिंकन से जैसे रूठ सी गई थी और उन्हें कदम कदम पर आईना दिखा रही थी। अब्राहम लिंकन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और लिंकन पढ़ना चाहते थे, लेकिन इनके पिता के बहुत ही क्रूर स्वभाव के कारण लिंकन सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाए थे। उनके पिता चाहते थे कि उनका यह बेटा उनके काम में हाथ बटाए, और इसलिए लिंकन को नाव चलाकर लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने का काम करना पड़ा, और बचे हुए टाइम में खेतों में भी काम करना पड़ता था। कई दिनों तक काम करने के बाद लिंकन को एक दुकान में नौकरी मिली हो। वहीं पर काम करते करते उन्होंने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए कुछ दिनों के बाद लिंकन को गांव में ही एक पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद लिंकन ने वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए राजनीति में आने का सोचा और विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन वे यह चुनाव बुरी तरह हार गए। साथ ही पोस्ट मास्टर की नौकरी भी छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिनों तक पैसों की कमी का सामना करना पड़ा। जब लिंकन 24 साल के हुए तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। वह उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी उस गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो गई है। सब कुछ लिंकन के खिलाफ था। बचपन से अभी तक उनके साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ था, और आगे भी उनकी परेशानी खत्म होने वाली नहीं थी। अपनी गर्लफ्रेंड की मृत्यु के बाद वे डिप्रेशन में चले गए थे और अपने आप को चाकू से दूर रखने लगे थे कि कहीं डिप्रेशन की वजह से वे खुद को ही ना मार ले। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और जिंदगी में आगे बढ़ने की एक और कोशिश में जुट गए।
लिंकन ने अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर से विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार वे विजयी हुए। इसके साथ जो उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी उसके बल पर वे गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगे। उन्होंने करीब 20 साल तक वकालत की, लेकिन दोस्तों परेशानियां अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद लिंकन के 4 बेटे हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश एक के बाद एक करके उनके 3 बेटों की मृत्यु हो गई। 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की डेथ हो गई। 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की मृत्यु गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की मृत्यु हो गई है। सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। कई बार चुनाव में बुरी तरह हार मिली। जिंदगी का दस्तूर यही है, आपको कुछ देने से पहले आपसे बहुत कुछ ले लेती है। लिंकन हर तरह से हार रहे थे, लेकिन जैसे हार मानना इनकी फितरत में ही ना हो, लिंकन ने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गए। उसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा और हार गए। 36 साल के हुए तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गए। 5 साल बाद फिर कोशिश की लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गई। यार इतनी बार हारने और फेल होने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने भी एक ही जिद पकड़ ली थी कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी लिंकन ने एक बार फिर 1860 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार हार भी लिंकन की हिम्मत के सामने हार गई और इस चुनाव में लिंकन ने जीत हासिल की और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। आखिर हार भी कब तक हराएगी ऐसे बंदे को जो हार मानने को तैयार ही नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद लिंकन ने कई बड़े काम किए, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रथा थी जिसे उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया।